नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और वशिष्ठ उपाध्याय। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से ही कांग्रेस इतनी नफरती और घृणित पार्टी क्यों बनती जा रही है, जिसमें केवल और केवल देश विरोधी ताकतों को ही तरजीह दी जा रही है। यानी कि जो लोग अपनी जहरीली जुबान से देश के अंदर मवाद फैलाकर अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं या फिर देश के दुश्मनों के सुर में सुर मिलाते हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों चल रही है? कि यह पार्टी के डूबते राजनीतिक भविष्य की बौखलाहट है या फिर कांग्रेस की आदत बन गई है कि उसे देश विरोधी मानसिकता को ही समर्थन देना है? यह पूरा देश देख चुका है कि कोरोना काल में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने किस तरह से सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दुश्मन देश चीन के प्रवक्ता की तरह भाषा बोलकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। इसके अलावा हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तो सारी शर्मनाक हदों को पार करते हुए आतंकी देश पाकिस्तान के टीवी चैनल पर भारत की बुराई कर डाली और पाकिस्तान की जमकर तारीफ की। देश ये भी देख चुका है कि कैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला ने पाकिस्तान के आतंकियों को जी कहकर सम्मान दिया था। मणिशंकर अय्यर का तो कुछ कहना ही नहीं है, उन्हें एक दौरे में ही पाकिस्तान से इतना प्यार हो गया कि शायद इतना प्यार तो उन्हें अपनी पत्नी से भी नहीं हुआ होगा। कांग्रेस के अंदर ऐसे नेताओं की भरमार है जिनका इतिहास देश विरोधी गतिविधियों से भरा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस मामले में राजद्रोह के आरोपी और पीएफआई मेंबर कप्पन सिद्दीकी के परिवार वालों से मुलाकात की है और राहुल गांधी ने परिवार वालों को आश्वासन दिया है कि वो सिद्दीकी को जेल से बाहर निकलवाने में जरूरी मदद करेंगे। ऐसा करके राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि वो उन लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे जो देश का माहौल बिगाड़ने में सबसे आगे होंगे। उधर संसदीय क्षेत्र वायनाड में पीएफआई मेंबर के परिवार वालों से राहुल गांधी की मुलाकात पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वायनाड में कोरोना के खिलाफ कार्यों की समीक्षा करने नहीं बल्कि देश विरोधी वायरस को आगे बढ़ाने के लिए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी से सवाल किया है, क्या उनका देश की न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है? कप्पन सिद्दीकी हाथरस में भड़काने की कोशिश कर रहा था, वो पीएफआई का मेंबर है। शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन की फंडिंग पीएफआई से आई है, दिल्ली के दंगों में भी पीएफआई का ही नाम आया है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद राहुल गांधी कप्पन सिद्दीकी के परिवार जनों से मिलने गए और परिवार वालों को समर्थन देने की बात करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है? गौरव भाटिया ने राहुल गांधी से कहा है कि सरकार का विरोध करिए लेकिन देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मत मिलाइए। रदेगी सिद्दीकी कप्पन केरल के वायनाड का रहने वाला है और पत्रकार है और वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता है। उस पर आरोप है कि उसने हाथरस मामले की वारदात के बाद जातीय दंगे फैलाने की साजिश रची थी। सिद्दीकी को यूपी पुलिस ने 3 लोगों के साथ उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो यूपी की मथुरा से हाथरस जा रहा था, जिसके बाद इन चारों के खिलाफ राजद्रोह और आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। अब सवाल यह है कि कांग्रेस देश विरोधी मानसिकता और देश का माहौल बिगाड़ने वालों पर मेहरबान होकर क्या संदेश देना चाहती है? क्या कांग्रेस को लगता है कि अब उसकी बंजर पड़ती जा रही राजनीतिक जमीन को इस तरह की मानसिकता के लोग ही उपजाऊ बना पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।